हमने कश्मीर में श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन जगहों के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना है। इंटरनेट पे इनके ऊपर वीडियो भी बहुत हैं। इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कश्मीर की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह जिसका नाम है दूधपथरी। Assalamualaikum, this is me Iram Dar and welcome back to my YouTube channel। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइज हमने रात को ट्रिप प्लान किया है तो व्लॉग में बने रहना, पता चल जाएगा कहाँ जाना है। टंगमर्ग से आ गए थे तो हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे आए हैं और यहीं पे हमने स्टे किया हुआ है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। अभी फिलहाल चलती हूँ अंदर और छोटी छोटी बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत, तो चलते हैं। और यहाँ पे एप्पल का पेड़ भी ये देखिए। A few moments later. So, अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। अभी हम लोग गाड़ी से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। So guys, हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। नून चाय और मक्की की रोटी है ना। और यहाँ पे ये बना रहे थे मक्की की रोटी, और यहाँ की मक्की की रोटी बहुत ज्यादा फेमस है, चाय और मक्की की रोटी। यहाँ पे रोटी को फ्राई किया जाता है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज बिछा के रखा था बैठने के लिए, कोई भी आके बैठ सकता है और आराम से चाय पी सकता आराम से। और जब मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे पिक्चर भी बहुत सारी ली। शोएब ने मेरी चाय छुपा ली, वो उधर पीछे रखी है। शोएब उधर है, मेरी चाय छुपा ली इसने। और जो भी यहाँ पे आए तो मक्की की रोटी जरूर खाएं और टेस्ट जरूर अपना बताएं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और दूधपथरी श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पहुँचने में 2 घंटे भी लग सकते हैं। दूधपथरी नाम 2 शब्दों को मिला के बनाया गया, दूध और पत्थर। जब पानी यहाँ पूरे फोर्स से बहता है तब पत्थर को टकरा के दूध जैसे सफेद दिखने लगता है और इसीलिए इसे दूधपथरी यानी वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं। दूधपथरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखे हमारे साथियों लोग भी आए हैं। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, और आज मैं आपको सब कुछ एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ यहाँ पे। और ये 2-3 साल से ज्यादा ही फेमस हुआ है क्योंकि पहले यहाँ के लोकल ही लोग आते थे। सोच रही हूँ घोड़े की सवारी ले लूं। पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। एक रोड भी बन रही है जो सीधा जाके लोरन से निकलेगी हमारे गांव। जब ये बन जाएगा तो कितनी खुशी होगी, फिर आसानी से हम लोग जल्दी से आ सकेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो वॉच करना और आपको सब कुछ दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह। गाइस तो अभी मैं यहाँ पे आके बैठ चुकी हूँ और वहाँ चल रहा फोटो शूट और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ज्यादा डर लगता है। चलो मैं भी चलती हूँ फोटो बनाती हूँ। दूधपथरी और ये दूध गंगा और यहाँ पहाड़ी देखो, चेक करो गाइस। और यहाँ पे रास्ता बन रहा है जो लोरन से निकलेगा।
यहाँ की हर चीज बता रहे हैं। हमें गाइड यहाँ पे अप्रोच करना पड़ता है, जो भी आते हैं ना बाहर से, टूरिस्ट वगैरह अमेरिका से भी आते हैं यहाँ पे, चाइना, हर जगह से आते हैं यहाँ पे। सो गाइस, तो आप देख सकते हो कितनी मस्त जगह है यहाँ पे, बता नहीं सकते इसकी। हमने रील्स भी बना लिए हैं, अभी उन भैया की टर्न है, वो भी बना ले रील्स। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आते हुए मैंने आपको ढाबे नहीं बताए तो क्या हुआ, जाते हुए तो बता सकती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे ना बिजनेस लड़कियाँ कर रही हैं और मक्की की रोटी बना रही हैं और सरसों का साग, हर चीज़, मतलब चाय वगैरह दे रही हूँ, और देखो कितने अच्छे से कर रही हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का दी एंड। तो गाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बाय बाय, टेक केयर।